देखिएगा कि आजकल जो दौर है तो कलम का काम है कटाक्ष लिखना, चीज़ों के बारे में लिखना। तो मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कुछ लिखा था, तो वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। आप सभी जानकार होंगे कि हमने चीते मंगवाए थे नामीबिया से। सभी लोगों को ये चीज़ के बारे में पता होगा। और हमारे देश में नारी सशक्तिकरण हो रहा है, और मैं इसके खिलाफ में नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर मैं ये सोचता हूँ कि पुरुषों का सशक्तिकरण भी जरूरी है, सरकार को इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। तो चार पंक्तियां पेश से ध्यान दीजिएगा। इनको नौकरी का मिसरा ना हिसानी दिया, इनको नौकरी का मिसरा ना हिसानी दिया, तुमने इनके सपनों को न मानी दिया, और बेटियां ही तुम अगर बचाते रहे, बेटियां ही तुम अगर बचाते रहे, तो लड़के लाने जाओगे क्या नामी बिया, तो लड़के लाने जाओगे क्या नामी बिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दो तालियां आई थी उधर से और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ढेर हूँ, मैं बजवा लूंगा, मैं इन्हीं लोगों का शागिर्द हूँ। देखिएगा कि आपको जो सब लोग मध्य प्रदेश से हैं और नहीं भी होंगे तो आपको जानकारी होगी, हमारे जो नए सीएम हैं मोहन, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, पर उनका सीएम बनने से पहले काफी अंदाजे लगाए जा रहे थे कि कौन बनेगा कौन बनेगा। तो उस वो जो चीज हुई उससे हमें मोटिवेट होना चाहिए, और उस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए चार पंक्तियां देखिएगा। जिन्हें लगे कि मंजिलें हैं मोड़ पे नहीं, मशवरा होने की रहना चौड़ में नहीं, मंजिल जिन्हें लगे कि मंजिलें हैं मोड़ पे नहीं, मशवरा उन्हें की रहना चौड़ में नहीं, जतन जो थे कि ये सभी सभी धरे रहे, जतन जो थे कि ये सभी सभी धरे रहे, मिलाओ से जो था कभी भी दौड़ में नहीं, मिलाओ से जो था कभी भी दौड़ में नहीं। मतलब आप लोग समझते जा रहे हैं मेरी बात, तालियां बढ़ती है। बहुत सारा शुक्रिया। देखिएगा अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाले, वोटर की मानसिकता को लेकर थोड़ी सी चार पंक्तियां आपके सामने रखा, और ये मजाक के लिए, कोई इसको अन्यथा ना ले। आजकल क्या लोग सीरियस ले लेते हैं चीजों को। देखिएगा कि वोट न देने की ये तो बात नहीं है, वोट न देने की ये तो बात नहीं है, जो बीत चुकी ये तो वही रात नहीं है, वो ईवीएम के पास आके सोचने लगा, वो ईवीएम के पास आके सोचने लगा, रात को किसने पिलाई याद नहीं है, रात को किसने पिलाई याद नहीं है। एक चार पंक्तियां हैं और इसके लिए मुझे कोई भूमिका देने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। देखिएगा, जिंदगी में ऐसा क्यों कभी मिलाप हो, जिसका अंत हो कभी तो बस विलाप हो, जिंदगी में ऐसा क्यों कभी मिलाप हो, जिसका अंत हो कभी तो बस विलाप हो, जीते जी बनाना जिंदगी को स्वर्ग है, तो मुख पे तेरे राम नाम का ही जाप हो, मुख पे तेरे राम नाम का ही जाप हो। और सभी पुरुषों के हवाले से चार पंक्तियां रखता हूँ। देखिएगा कि हम लोग बोलते हैं पुरुषों के लिए कि पुरुष ऐसे पुरुष ऐसे, एक्चुअल में पुरुष क्या है वो चार पंक्तियों में आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहब देखिएगा कि जहन में परेशानी का तूफान पल रहा, जहन में परेशानी का तूफान पल रहा, न जाने कौन सा समंदर मचल रहा, फिर भी इनसे पूछोगे जो हाल तो अगर, फिर भी इनसे पूछोगे जो हाल तो अगर, मुस्कुरा के कह देंगे सब ठीक चल रहा, मुस्कुरा के कह देंगे सब ठीक चल रहा। मेरी एक रचना, एक गजल है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिएगा कि, और ये इसमें थोड़े, ये गैर मुसलसल गजल है जिसमें थोड़ी अलग अलग वाक्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है कुछ चार पंक्ति। देखिएगा कि जिंदगी में हमने शौक पाले हैं बहुत, जिंदगी में हमने शौक पाले हैं बहुत। क्या मैं पहले सरकारी नौकरी नहीं थी, हमारे देश में सरकारी नौकरी की बहुत वैल्यू है, तो जब मैं पुलिस विभाग में भर्ती हुआ तो उसके बाद क्या इज्जतें बढ़ गई, उसके पहले कोई नहीं पूछता था। तो देखिएगा थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखते हुए लिखा था। जिंदगी में हमने शौक पाले हैं बहुत,
दो निवाले खा के दिन निकाले हैं बहुत जिंदगी। मैं चाहता हूँ आपकी तालियां बजे इस गजल पे तो बढ़िया रहेगा साथ में, और ऐसे नहीं बजानी है, सत्यनारायण की कथा नहीं है। देखिएगा कि जिंदगी में हमने शौक पाले हैं बहुत, दो निवाले खा के दिन निकाले हैं बहुत, जरा सा तेज चल गया तो जल रहे हैं सब, जरा सा तेज चल गया तो जल रहे हैं सब, भाईया के पांव देख छाले हैं बहुत, भाईया के पांव देख छाले हैं बहुत, और दौलतें जहान में सफेद उनकी हैं, दौलतें जहान में सफेद उनकी हैं, मेहनतों से हाथ जिनके काले हैं बहुत, और मेहनतों से हाथ जिनके काले हैं बहुत, और बेवफा मिली हमें तो क्यों करेंगे ला। ये उम्र की वजह से ये शेर आया है। बेवफा मिली हमें तो क्यों करेंगे ला, दिल एक समय पे हमने भी उछाले हैं बहुत, और दिल एक समय पे हमने भी उछाले हैं बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।